अभी हम फर्स्ट गियर में ड्राइव करते हैं, ओके। और अभी हम सेकंड गियर, तो पहले इस कार में प्रॉब्लम थी वो थी थर्ड गियर के बाद में सेकंड गियर नहीं लगता था, अभी मैं थर्ड गियर ड्राइव कर दिया है और मैं सेकंड गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो सेकंड भी शिफ्ट हो चुका है और फर्स्ट भी शिफ्ट हो चुका है, तो जो गियर वॉक्स है वो परफेक्टली बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के ट्रांसमिशन के बारे में। तो इस कार में प्रॉब्लम है फर्स्ट एंड सेकंड गियर में, तो जैसे ही हम इस कार को फर्स्ट एंड सेकंड गियर से थर्ड गियर में शिफ्ट करते हैं इजीली शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम थर्ड गियर से डाउन शिफ्ट लेते हैं सेकंड गियर के लिए तो इस गियर में स्टक हो जाता है, ओके। तो अभी हम चेक कराते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी मैं कार को थर्ड गियर में ड्राइव कर रहा हूँ और अब मैं डाउन शिफ्ट लूँगा तो सेकंड गियर इजीली नहीं डलेगा और ना ही फर्स्ट गियर, और काफ़ी जोर लगाने के बाद इसमें सेकंड गियर लग जाता है, लेकिन उस कंडीशन में जब आपकी गाड़ी की व्हील की स्पीड जीरो हो जाती है। अभी आप व्हील की स्पीड देख सकते हैं जीरो हो चुकी है और इजीली गियर लग सकता है, और जैसे ही गाड़ी की स्पीड 20 से ऊपर होगी तो वो गियर शिफ्ट नहीं होगा फर्स्ट एंड सेकेंड गियर, ओके। तो ये कुछ इस तरीके की इसमें प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं इस कार का ट्रांसमिशन ओवरऑल, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कार है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर और इस कार में प्रॉब्लम है फर्स्ट एंड सेकंड गियर के स्टक होने की, तो थर्ड गियर के बाद में जैसे ही हम डाउन शिफ्ट लेते हैं इस गाड़ी में थर्ड गियर के बाद में डाउन शिफ्ट में सेकेंड गियर और फर्स्ट गियर शिफ्ट नहीं होता है, ओके। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो ये कार है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, तो इस ट्रांसमिशन को खोलने के लिए अभी हमने वर्कशॉप में लगा ली है कार, और अभी हमें खोलने होंगे इसके कुछ आगे के फ्रंट व्हील, जो कि आगे के दोनों साइड के लेफ्ट एंड राइट के दोनों में फ्रंट व्हील खोलने होते हैं, फ्रंट एक्सल खोलने होते हैं, ट्रांसमिशन के कुछ हॉजिंग के बोल्ट्स, ट्रांसमिशन ऑयल ड्रेन करना होता है, ओके। जो उसकी ट्रांसमिशन की गियर बॉक्स की केबल होती हैं वो गियर लीवर केबल हटानी होती है, स्लिप सिलेंडर का पाइप खोलना होता है हमें। तो अभी हम इस तरीके से इसका जो भी फिटमेंट है वो पूरा फिटमेंट खोलते हैं, जो भी इसके ट्रांसमिशन की फिटिंग रहती है उस पूरी फिटिंग को खोलने के बाद हम खोलेंगे इसका ट्रांसमिशन का मेन पार्ट, जो कि प्रॉब्लम है इसमें गियर के अंदर, जिस किस वजह से ये गियर जो है वो शिफ्ट नहीं होता है, उस पार्ट को हम आपको चेक कराएंगे, इस पार्ट की वजह से ये गियर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ हम इसमें रिप्लेस भी करेंगे इसकी क्लच प्लेट, ओके। क्योंकि ये कार लगभग 90,000 समथिंग चल चुकी है, 90,000 के आसपास ये कार चल चुकी है, ओके। तो अभी हमने इसका ट्रांसमिशन खोल लिया है और यहाँ पर ये है इसका कुछ पार्ट, तो अभी हम यहाँ से निकाल रहे हैं इसकी फर्स्ट एंड सेकंड गियर की गिरारी, जिसको हम फर्स्ट एंड सेकंड गियर बोलते हैं, ओके। तो साथ ही साथ हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं ये बीच वाला पार्ट जो कि है इसका मेन पार्ट, ये पीतल वाला, इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजर रिंग। तो अभी हमने इसके इस गियर को निकाल दिया है जो कि है सेकंड गियर, ओके। तो अभी हम आपको चेक कराते हैं किस तरीके से हम इसमें रिप्लेस करेंगे इसके सिंक्रोनाइजर को। तो ये है इसका मेन पार्ट, जिस पार्ट की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो ये पार्ट है वो सिंक्रोनाइजर रिंग, जिसकी वजह से इसमें फर्स्ट एंड सेकंड गियर जो डाउन शिफ्ट के कारण लग नहीं रहा था। तो ये आप देख सकते हैं इस जगह कॉर्नर से बेकार हो चुका है, और यही इसमें तीन कट होते हैं, तो तीनों कटों पर सेम कंडीशन है इसमें, ओके। तो अभी मैं आपको फर्स्ट गियर का भी चेक कराता हूँ, तो ये है सेकंड गियर का, तो फर्स्ट गियर के लिए हमें एक लॉक हटाना होता है, तो ये इस जगह पर होता है इसमें ये लॉक, ओके। तो अभी हम इस लॉक को हटाएंगे इसके स्पेशल टूल से, ये इस जगह पर है इसमें लॉक, और इस लॉक को हमें हटाना होगा इसके स्पेशल टूल से, और ये बीच में इसका हब है जो कि है फर्स्ट एंड सेकेंड गियर का, और उसके ऊपर है इसकी फर्स्ट एंड सेकेंड गियर का सिलेक्टर जिसको हम स्लीव बोलते हैं। तो अभी हम स्पेशल टूल से इसका ये लॉक हटा देते हैं, और लॉक हटाने के बाद फिर हम आपको चेक कराएंगे इसका सिंक्रोनाइजर रिंग। तो अभी हमने लॉक हटा दिया है और अभी हम निकालते हैं इसका फर्स्ट एंड सेकंड गियर हब एंड फर्स्ट एंड सेकंड गियर स्लीव। तो ये इस जगह पर हम इसमें से ये
इसकी स्लिप हटा देते हैं तो इसके नीचे ये लगी हुई है इसकी फर्स्ट गियर की सिंक्रोनाइजर रिंग, जिसकी वजह से फर्स्ट गियर में प्रॉब्लम आ रही थी, और जो पहले हमने आपको दिखाया था वो थी सेकंड गियर की, उसकी वजह से सेकंड गियर में प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, तो ये सारे कंप्लीट सिंक्रोनाइजर किट हम इसमें रिप्लेस करेंगे। तो ये मैं आपको इसका फर्स्ट गियर का सिंक्रोनाइजर चेक करा देता हूँ, और दोनों को आपस में कंपेयर करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों में कौन सा ज़्यादा कटा है। तो ये फर्स्ट गियर का आप देख सकते हैं ये वाला ज़्यादा कटा हुआ है, और ये तीनों कट इसके बराबर कटे हुए हैं। ओके, और अभी मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड गियर दोनों से भी कंपेयर कराऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये था इसका सेकंड गियर का सिंक्रोनाइजर। तो इसमें आप बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सा वाला कटा लगा हुआ दिख रहा है, प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएँ। ओके, तो ये फर्स्ट गियर का मुझे ज़्यादा बेसिकली इसमें दिखा कटा हुआ, जिसकी वजह से फर्स्ट गियर में ज़्यादा प्रॉब्लम आई। ओके, तो अभी हम ये दोनों पार्ट रिप्लेस करेंगे, तो तब तक करते हैं इस ट्रांसमिशन को क्लीन अच्छे से बिल्कुल साफ़ करके वॉश करके फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रांसमिशन को पूरा क्लीन कर लिया है, वॉश कर लिया है। तो ये है इसकी मेन शाफ्ट वायरिंग, और ये इसका फर्स्ट गियर, और इसकी फर्स्ट गियर की इसके अंदर है इसकी वायरिंग। ओके, तो अभी हम फिटिंग करेंगे इसके सिंक्रोनाइजर रिंग। तो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ उसकी सिंक्रोनाइजर। तो ये है इसका पार्ट नंबर मेंशन, और ये है मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट इसकी सिंक्रोनाइजर रिंग। तो फर्स्ट एंड सेकंड गियर में दोनों सेम पार्ट नंबर की सिंक्रोनाइजर रिंग लगती है। तो ये दूसरी सिंक्रोनाइजर रिंग, और इसकी आप MRP देख सकते हैं 1660 रुपये की है। ओके, तो इसमें हम दो रिंग डाल रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन कर लेना ये दोनों कितने का हुआ। ओके, तो ये है इसकी फर्स्ट गियर की सिंक्रोनाइजर रिंग। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड गियर की सिंक्रोनाइजर जो रिंग होती है वो सेम ही रहती है, लेकिन इसका गियर रेशियो वो अलग होता है। ओके, तो ये आपको स्टील वाली जो रिंग है इसके ऊपर लगा देनी है, पहले पार्ट के ऊपर। तो इस सिंक्रोनाइजर रिंग में तीन पार्ट आते हैं, पहले जो हमने इनर वाली लगा दी पीतल वाली कंघी, उसके ऊपर हमें एक ये स्टील की लगानी होती है, जो कि हमें गियर के ऊपर शिफ्ट करनी होती है इस तरीके से लॉक में, और ये ईजिली आपको घुमा के चेक करना, फ्री होना चाहिए। और इसके ऊपर हम मेन पार्ट फिट कर देते हैं, जो कि है मेन सिंक्रोनाइजर, जो हमारा पुराना वाला पार्ट ख़राब हो गया था। और ये है इसका हब, और इसमें ये तीन लॉक होते हैं और एक वायर लॉक होता है, तो इसको आपको प्रॉपरली चेक करना है। और अभी हम इसको अच्छे से क्लीन करते हैं, थोड़ा सा अभी इसमें डस्ट वगैरह है साइडों से। ओके, और इसमें तीन लॉक और वायर लॉक आपको चेक करना होगा प्रॉपर, तो इसको अभी क्लीन करके फिटिंग करते हैं। ओके, तो वायर लॉक भी इसमें प्रॉपर हम चेक करके फिक्स करेंगे। तो अभी इसको साफ़ करते हैं अच्छे से, एक दो जगह इसमें थोड़ी सी कार्बन है पीतल की, जो कि पुरानी सिंक्रोनाइजर है वो उसमें थोड़ी थोड़ी वो उसकी कार्बन बनी हुई है। तो अभी हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। ओके, और क्लीन करने के बाद अभी आप देख सकते हैं पूरा क्लीन हो चुका है सभी जगह से, और लॉक प्रॉपर लगा हुआ है। और अभी हम इसको फिटिंग करते हैं। तो ये आपको स्लिप वाला एरिया आपको नीचे की साइड लेना होता है, जिसमें आपको सिलेक्टर फिटिंग करना होगा, वो वाला एरिया आपको फर्स्ट गियर की साइड लेना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कट मैच करने हैं इसके सिंक्रोनाइजर रिंग के, तो इसको आपको एक हैमर की हेल्प से ऊपर से हल्के हल्के से फिक्स करते जाना है, और नीचे से आपको घुमा करके चेक करते जाना है। ओके, तो यहाँ पर अभी ये प्रॉपर पूरा फिक्स नहीं हुआ है, तभी इसको पूरा फिक्स करते हैं अच्छे से। तो अभी हम इसको लॉक को प्रॉपर बैठा लेंगे, और अभी हमने इसको प्रॉपर फिक्स कर दिया है, और इस जगह पर अभी हम लगाएंगे इसका लॉक, जो लॉक हमने पहले निकाला हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर बैठ चुका है ये इसका हब एंड स्लिप, और ये है इसका लॉक। तो लॉक को जो अभी हमने निकाला था वीडियो के स्टार्टिंग में, ये वही लॉक है, और अभी हम इस लॉक को दोबारा से फिटिंग कर रहे हैं। तो इस लॉक को हम फिटिंग कर देते हैं इजीली, और फिटिंग करने के बाद यहाँ इसके ऊपर हम फिटिंग करेंगे इसका सेकंड गियर का सिंक्रोनाइजर रिंग और सेकंड गियर। तो ये आपको इजीली अच्छे से चेक कर लेना है, लॉक प्रॉपर बैठ जाना चाहिए। अगर ये लॉक प्रॉपर नहीं बैठेगा तो आपकी कार के अंदर जो प्रॉब्लम आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, जैसे आपने फर्स्ट गियर लगाया या सेकेंड गियर लगाया, तो सेकेंड गियर कार निकाल देगी कुछ किलोमीटर बाद। ये इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने जितने भी गियर खोले हैं तो मैकेनिक कहीं यहाँ इस लॉक के ऊपर कुछ भूल कर जाता है कभी कभी, वो लॉक प्रॉपर नहीं बैठ पाता है जल्दबाजी में। ओके, तो ये लॉक आपको अच्छे से चेक करना है। और ये है इसका सेकंड गियर और सेकंड गियर की बैरिंग। तो ये इसकी सेकंड गियर की बैरिंग है, इसको हम मेन शाफ्ट पर लगा देते हैं। और ये है इसकी न्यू सिंक्रोनाइजर जो हम रिप्लेस कर रहे हैं सेकंड गियर की। तो ये थी तीन पार्ट में, जैसे हमने फर्स्ट गियर में हमने इसमें जो सिंक्रोनाइजर थी वो सेम इस तरीके से ही हमें इसमें भी फिक्स करनी है। ओके, तो ये इसकी सेकंड गियर की गिरारी है। तो पहले हमें पीतल वाली रिंग लगानी है। ओके, तो ये इस तरीके से आपको लगानी है, इसके ऊपर हम स्टील वाली रिंग लगा देते हैं।
और इसके ऊपर ये मेन पार्ट जो सिंक्रोनाइजर सबसे ज़्यादा ये बड़ा वाला पार्ट है सिंक्रोनाइजर का, यही पार्ट ख़राब होता है। बाकी के जो दो पार्ट हैं वो मैंने कभी ख़राब होते हुए ही नहीं देखे जितने भी मैंने ट्रांसमिशन खोले हुए हैं मारुति के। और मारुति की अधिकतर सभी गाड़ियों में यही ट्रांसमिशन आता है जो कि डीजल गाड़ियाँ हैं, एर्टिगा, डिजायर, रिट्ज़, ओके, S6-4। तो ये देखिए अभी मैंने सेकेंड गियर डाल दिया है, ये फर्स्ट गियर, और बीच में जो कंडीशन रहती है ये है न्यूट्रल, तो सेकेंड और ये फर्स्ट। तो बड़ी ही इजीली से अभी गियर शिफ्ट हो रहे हैं। ये देखिए अभी मैं गियर हाथ से चला रहा हूँ और ये फर्स्ट गियर शिफ्ट हो चुका है, और अभी ये ऊपर वाला सेकेंड गियर, बीच में न्यूट्रल। तो इस जगह पर हम फिटिंग करेंगे इसके काउंटर गियर। तो यहाँ पर ये इसका काउंटर गियर है, ओके। तो ये इस जगह पर हमें फिटिंग करना है। तो ये है इसका थर्ड गियर का काउंटर गियर, ओके। और इसके ऊपर फिटिंग करेंगे हम एक इसमें रेशर, जो कि एक छोटा सा पाइप टाइप का होता है, ओके, मेन शाफ्ट के बीच में। तो ये इस तरीके से आपको फिक्स करने के बाद आपको इसकी प्ले चेक करनी होती है। सेकंड गियर ऊपर और नीचे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो लॉक होता है वो नीचे होता है हब में, और सेकंड गियर के ऊपर कोई लॉक नहीं होता है। तो इस तरीके से पाइप के ऊपर आपको पाइप लगा देना है। इसके बाद में आपको एक और गियर काउंटर गियर लगाना है, जो कि है फोर्थ गियर का काउंटर गियर, ओके। तो ये इस तरीके से आपको फिक्स करना है। तो अभी हम यहाँ पर इसको कम्प्लीटली फिक्स कर रहे हैं इसके काउंटर गियर को, और काउंटर गियर को फिटिंग करेंगे। और यहाँ पर आपको फिर से वही प्ले चेक करनी है, इस पाइप के बीच में कोई प्ले नहीं होनी चाहिए ऊपर नीचे, और सेकंड गियर में भी आपको प्ले चेक करनी है। अगर प्ले रहेगी तो वो प्रॉब्लम रहेगी, और सिंक्रोनाइजर रिंग जो है बहुत ही जल्दी कट जाएगी। एक समय के हिसाब से सिंक्रोनाइजर इसलिए कटेगी क्योंकि उसमें जब प्ले आ जाएगी तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो अभी करते हैं इस ट्रांसमिशन को फिटिंग। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कौन सा गियर कितने नंबर का है। तो जैसा कि मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ, तो इस साइड है इसकी मेन शाफ्ट, और ये है इसकी टॉप मेन शाफ्ट, जो कि इनपुट शाफ्ट है जो कि इंजन से पावर ट्रांसफर लेती है। तो इस जगह पर ये कनेक्टेड होता है इसका पहला गियर, ओके। और ये है इसकी सिलेक्टर, और बीच वाली जो गियर है ये उसके ऊपर था सेकंड गियर, ये थर्ड गियर, फोर्थ गियर सॉरी, और सबसे ऊपर वाला था ये था इसका थर्ड गियर, और यहाँ पर आएगा इसका फिफ्थ गियर, ओके। तो ये थी इसकी इनपुट शाफ्ट जो कि मेरे लेफ्ट साइड में थी, जो राइट साइड में है ये है इसकी आउटपुट शाफ्ट, ओके। और यहाँ पर फिटिंग होगा इसका डिफरेंशियल, जिसको हम क्राउन भी बोलते हैं, डिफरेंशियल, जो कि डिफरेंशियल से पावर ट्रांसफ़र होती है फ्रंट एक्सल के लिए और एक्सल से व्हील के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन है, वो ट्रांसफ़र करता है टॉर्क को, ओके। तो अभी यहाँ पर हम इसके ऊपर की जो मेन बेयरिंग है, इस बेयरिंग को हम फिक्स कर रहे हैं। और बेयरिंग को फिक्स करने के बाद अभी हम इस ट्रांसमिशन को कम्प्लीटली फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ये बेयरिंग प्रॉपर फिक्स करना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली, इसमें ज़रा भी बेयरिंग में प्ले नहीं होना चाहिए। और ये फिक्स हो चुका है, आपको अच्छे से रोटेट करके चेक कर लेना है, ओके। तो कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी करते हैं इस ट्रांसमिशन को फिटिंग। तो यहाँ पर आपको पहले हम इस मेन शाफ्ट को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे इसमें इसका डिफरेंशियल। तो यह है इसका डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल में ये इसका NS व्हील है, जो कि, और यह है इसके स्टार इस साइड, इसमें फ्रंट एक्सल फिटिंग होते हैं। तो NS व्हील यानी कि नॉर्थ एंड साउथ व्हील होता है, जो कि इसमें व्हील स्पीड सेंसर होता है, उसको सिग्नल देता है इस कंडीशन पर, जिस तरीके से मैंने अभी ये घुमाया, व्हील की कितनी स्पीड है वही स्पीड आपके किलोमीटर यानी कि इंस्ट्रूमीटर पैनल पर शो करती है, इंस्ट्रूमीटर क्लस्टर पर। तो अभी हम फिटिंग कर रहे हैं इस ट्रांसमिशन को। तो पहले हम मेन शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट दोनों को कम्प्लीटली इस तरीके से बराबर से रख लेते हैं, और इसका जो गियर फोरक है, गियर सिलेक्टर फोरक, इसको इस तरीके से फिटिंग कर देना है। और इस तरीके से लेने के बाद आपको बराबर में ये रखना है न्यूट्रल कंडीशन पर। तो दोनों आउटपुट शाफ्ट और मेन शाफ्ट में जो गियर फिटिंग है वो दोनों आपके न्यूट्रल कंडीशन पर होने चाहिए, और बराबर हम इस जगह ये होल्स होते हैं इस रॉड को सिलेक्टर लीवर के, इन जगह पर आपको ये फिक्स कर देना है, ओके, ईजीली। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये बेयरिंग प्रॉपर नहीं बैठा है। तो यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे इसका रिवर्स गियर का रॉड, जो कि रिवर्स गियर के लिए होता है, रिवर्स गियर सिलेक्टर, ओके। तो इस जगह पर अभी हम इस बेयरिंग को प्रॉपर फिक्स करेंगे, अभी प्रॉपर फिक्स हुआ नहीं है ये। तो ये बेयरिंग जो है बिल्कुल इसके फेस लेवल से अंदर तक बैठेगा, यही रोलर बेयरिंग, और ये बॉल बेयरिंग इसके फेस तक आएगा। और यहाँ फिटिंग करेंगे हम इसका रिवर्स गियर और रिवर्स गियर पिन। तो अभी हम पहले इस टॉप को, यानी कि जो इसकी मेन शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट को, दोनों बराबर से बैठा देते हैं इसको अच्छे से। तो अभी हमने दोनों शाफ्ट को अच्छे से बैठा दिया है, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ा हुआ था वो प्रॉपर बैठ नहीं पा रहा था उस टाइम पे। तो अभी यहाँ पर अच्छे से बैठ चुका है इसका मेन शाफ्ट, और बैठाने के बाद अभी देखिए मैं रोटेट करके आपको चेक कर रहा हूँ, बड़े ही इजीली फिक्स तरीके से इसका ट्रांसमिशन है वो वर्क कर रहा है। और यहाँ पर फिक्स करते हैं इसका रिवर्स गियर। तो रिवर्स गियर इस जगह से कनेक्टेड होता है,
और यहाँ पर हम लगाएंगे उसका ब्रैकेट, ओके। और ये आप देख सकते हैं तीनों मेन शाफ्ट इसकी इस तरीके से न्यूट्रल कंडीशन पर हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये न्यूट्रल पोजीशन है, और ये नीचे की साइड गया तो रिवर्स गियर, ऊपर की साइड आया तो फिफ्थ गियर, ओके। तो अभी हम इस तरीके से इसको फिक्स कर रहे हैं, तो ये हम लगा रहे हैं इसका रिवर्स गियर का ब्रैकेट, तो इस जगह पर फिटिंग होगा इसका रिवर्स गियर। तो रिवर्स गियर और रिवर्स गियर पिन भी हम इसमें बराबरली लगा देते हैं, तो ये इस तरीके से आपको इसका रिवर्स गियर लगा देना है। तो रिवर्स गियर लगाने के बाद में ये इसका पिन है, तो ये पिन की ये थ्रेड है, ये आपको रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ, ये थ्रेड है, ये आपको इस जगह पर रखनी है। कंपनी ने एक इसमें छोटा सा पॉइंट दिया हुआ, छोटा सा एरो, तो इस तरीके से आपको इसकी लाइन पर रखनी है, क्योंकि जब आप इसको लगा देते हैं तो फिर आप इसका जो होल्स होता है, जो थ्रेड वाला होल है, वो एरिया अगर इस साइड उस साइड हो गया तो फिर आपको बोल्ट प्रॉपर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ओके। और इस तरीके से हमने इसके दोनों बोल्टों को टाइट कर देना है रिवर्स गियर के ब्रैकेट को, और ब्रैकेट को टाइट करने के बाद साथ ही साथ अभी हम यहाँ पर फिटिंग करते हैं इसके बाकी के पार्ट को, या सिलिकॉन ट्यूब लगा करके इसका जो गियर बॉक्स का मेन पार्ट है, मेन हो जाएंगे उसको फिटिंग करेंगे। तो कम्प्लीटली आपको ये दोनों बोल्ट अच्छे से टाइट कर देने हैं। तो कुछ गाड़ियों में सिलेक्टर लीवर की साइड जहाँ पर इसमें फॉर्क हैं, फॉर्क की रॉडें होती हैं, उनमें गोरी और कुछ स्प्रिंग वगैरह भी आती हैं, लेकिन जो न्यू मॉडल के जो गियर ट्रांसमिशन रहते हैं उसमें स्प्रिंग और गोली नहीं आती है, ओके। तो अभी मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ ये रिवर्स गियर किस तरीके से इसमें कनेक्टेड होता है। तो ये पूरा गियर कम्प्लीटली फिटिंग हो चुका है, और अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये लेफ़्ट वाली है इसकी मेन शाफ्ट, ओके। और अभी हम इसको फिटिंग करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर ये फर्स्ट गियर, ये स्लेव, ये सेकेंड गियर, ये फोर्थ गियर का, ये थर्ड गियर, और इसके बराबर हमें इसका काउंटर गियर, और यहाँ पर फिटिंग होगा इसका फिफ्थ गियर, और ये था इसका रिवर्स गियर। तो रिवर्स गियर जो कनेक्टेड होता है वो आप इस फर्स्ट एंड सेकेंड गियर की स्लेव है, इस स्लेव से कनेक्टेड होकर के, और ये आप बीच में देख सकते हैं इसकी इनपुट शाफ्ट से इस तरीके से कनेक्टेड होता है, और उसके बाद वो जाता है सीधे आउटपुट शाफ्ट पे कनेक्टेड होते हुए, ये बीच वाली स्लिप से, ओके। तो यहाँ से यहाँ पर कुछ गाड़ियों में इसमें स्प्रिंग और बॉल्स वगैरह आते हैं, तो इस जगह पर ये न्यू मॉडल में इसमें स्प्रिंग और गोलियाँ। अभी हमने इस कार का जो ट्रांसमिशन था पूरा कम्प्लीटली कम्प्लीट कर चुके हैं, और ये थी इसकी आउटपुट शाफ्ट और मेन शाफ्ट, और ये है इसकी कुछ स्लिप और इसमें सिम। तो ये किस किस ट्रांसमिशन में ये इजीली फिक्स हो नहीं पाती है, ये आराम से निकल जाती है, लूज होती है ट्रांसमिशन बॉडी में, ओके। तो ये आपको फिटिंग के टाइम पे आपको ध्यान में रखने वाली बात है, इस तरीके से आपको इसकी सिम और इसकी जो स्लिप है इसको लगा देना है, वरना कार के अंदर जब भी आप कार को ड्राइव करेंगे फिफ्थ गियर में या फोर्थ गियर में, और जैसे ही आप एक्सीलेटर को छोड़ेंगे तो इसमें एक हमिंग साउंड आएगी, उस टाइप की कुछ साउंड आएगी, जैसे बैरिंग वगैरह कुछ आवाज़ कर रहा है, ओके। तो अभी हम आपको बताते हैं ये किस तरीके से इसका सिलेक्टर वर्क करता है। तो ये हमने सेकेंड गियर लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं, ओके। क्योंकि बीच में जो रहता है ये है इसकी न्यूट्रल कंडीशन, जिस टाइम पे ये रॉड बीच में है ये अभी इसकी न्यूट्रल कंडीशन है, और अगर आप इसको नीचे की साइड करते हैं तो ये इसमें फर्स्ट गियर लग चुका है, और दो रॉड आपकी देख सकते हैं बीच में है, क्योंकि अभी हमने ओनली साइड वाली जो रॉड थी उसको शिफ्ट किया था, और ये सेकेंड गियर, और अगर हम बीच वाली रॉड को शिफ्ट करेंगे तो ये देखिए ये इसमें इस तरीके से थर्ड गियर, और ये इसमें फोर्थ गियर, इस तरीके से थर्ड एंड फोर्थ गियर आप इस बीच वाली रॉड से आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, और साइड वाली रॉड जो प्रॉपर वर्क करती है वो करती है पूरी फिटिंग के बाद, लेकिन ये आप देखते हैं रिवर्स गियर शिफ्ट हो चुका है और ये न्यूट्रल, ओके। तो फिफ्थ गियर के लिए अभी हमने इसमें फिटिंग नहीं कराया अभी फिफ्थ गियर, तो वो फिफ्थ गियर इसमें फिटिंग होगा, इसकी गियर बॉक्स की जो हॉजिंग है दूसरा पार्ट है उसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि इसके ऊपर फिक्स करेंगे। एक ट्यूब की हेल्प हमें यहाँ लेनी होती है जिसको हम बोलते हैं RTV क्लियर बॉन्ड, यानी कि ट्रांसपेरेंट कलर का जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम इस जगह पर लगाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा था इसकी तीन गोलियाँ और स्प्रिंग होती हैं जो कि ओल्ड मॉडल में आती है, न्यू मॉडल में कंपनी ने वो स्प्रिंग और गोलियाँ बंद कर दी हैं लगाना, जो बॉल होती हैं। तो अभी हम बोल्टों को टाइट कर देते हैं और साथ ही साथ लगाते हैं अभी हम इस पर RTV क्लियर एना बॉन्ड ट्यूब, और फिक्स करते हैं इसके ऊपर ट्रांसमिशन हॉजिंग। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, करते हैं बाकी के इसके गियर बॉक्स के पार्ट को फिटिंग। तो अभी हमने इसका सिलिकॉन ट्यूब लगा लिया है, और यहाँ पर हम ट्रांसमिशन फिटिंग करने से पहले ये गियर ऑयल यूज करेंगे इसके गियर बॉक्स की गिरारियों पर, जो इसके गियर हैं इसको लुब्रिकेशन करने के लिए। तो इस तरीके से अभी हम इसके गियर सिलेक्टर और गियर बैरिंग वगैरह जो भी हैं, इसके डिफरेंशियल वगैरह, सभी गियर की गिरारियों पर, गियर पर, रॉड, फॉर्क, ये सभी जगह पर, ये चार रोडें हैं इसमें, और ये चार रोडों की लोकेशन होती है वो इस जगह पर आपको चार जगह पर फिटिंग करनी होती है।
तो ये इजीली फिक्स हो जाती हैं। और ये वायरिंग इस जगह आता है इसका रिवर्स गियर का पिन, तो इस जगह पर बोल्ट होता है वो, जिसकी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये आपको इस डॉट पर रखना होता है इस एरो पर। तो ये इस बोल्ट की लोकेशन है, अभी थोड़ा सा इसमें आउट है, अभी मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ हल्का सा। ओके, तो ये अब प्रॉपर फिक्स है इस जगह पर। ओके, तो आप इस तरीके से हमने कर दिया इसमें, और अभी हम ये फिटिंग करते हैं इसकी ट्रांसमिशन हाउसिंग। तो ये दो पार्ट होते हैं इस ट्रांसमिशन के, तो ये इजीली इस तरीके से आपको इसमें फिटिंग करना है। और ये चार रॉड आप देख सकते हैं इस जगह पर आएंगी, इसके ऊपर वाले होल्स पर, ये चार होल्स हैं इसमें। तो ये इस जगह पर इस तरीके से आप इसके ट्रांसमिशन की रॉड को आराम से इजीली फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे इसके ट्रांसमिशन बैरिंग का लॉक, और इसको एक हैमर की हेल्प से आपको हल्का हल्का इसको प्रेस कर देना है। और ये जो रॉड हैं ये आपको न्यूट्रल कंडीशन पर रखनी है, जो मैं आपको बता रहा था उस टाइम पर। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से स्लाइड हो रही है। और यहाँ पर अभी हम लगाएंगे इसका लॉक। ओके, और लॉक लगाने के बाद इस जगह पर एक सिम, और इसके ऊपर एक प्लेट होती है, और बाकी की जितने भी इसके ट्रांसमिशन के और जिनके बोल्ट्स वगैरह हैं, नट हैं, सारे स्टेट वगैरह सब कुछ हम इसमें कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो इस जगह पर फिटिंग करेंगे सारे पार्ट इसके, जो भी पार्ट्स हैं जो भी हमने इसमें खोले हुए थे। तो जैसे कि यह था इसका रिवर्स गियर का स्विच, सॉरी उस रॉड का बोल्ट का लोकेशन, लेकिन आप देख सकते हैं ये हल्का सा अभी भी आउट है। तो अभी हम उसको फिक्स सेंटर पर लेने के बाद उसको बोल्ट को भी फिटिंग करेंगे। ओके, तो इस जगह पर आप देख सकते हैं बोल्ट की लोकेशन है, वो एग्जैक्ट आ चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर आ चुकी है। और इस तरीके से आपको इसमें एक कॉपर की एक वार्सल होती है, जिसको हम वेंजो वार्सल बोलते हैं, और एक 12 mm का एक बोल्ट होता है। और इस तरीके से यहाँ पर हमने ये सेम लगा दी है। ये सेम लगाने के बाद ये फेस के बराबर का लेवल का आ जाता है ये वायरिंग का साइज। ओके, और इसके ऊपर हम ये एक लॉक होता है, इस लॉक को भी लगा देते हैं। तो ये लॉक जो होता है, ये जैसे आपने पिस्टन की रिंग देखा है, उस रिंग के टाइप का ही एक लॉक होता है। तो ये आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से लगाना है, क्योंकि ये काफ़ी नाइफ की तरह होता है, मतलब एक तरीके से आपके बड़े ही हार्ड होता है ये लॉक। तो आपको बड़ी ही केयरफुल तरीके से आपको इस लॉक को लगाना होता है। ओके, तो अभी हम इस लॉक को लगा देते हैं। ओके, तो इस लॉक को लगाने के बाद बाकी का जो भी इस कार का पार्ट है, उस पार्ट को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें ये लॉक था वो अभी प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए अभी हम इस रॉड में फिक्स करेंगे। तो ये लॉक फिक्स हो चुका है। ओके, तो ये लॉक इस तरीके से आपको चेक करना है, क्योंकि गियर बॉक्स में मेनली जो फॉल्ट आता है वो आता है लॉक की वजह से। तो सभी लॉक जब भी आप ट्रांसमिशन रिपेयर करते हैं अच्छे से फिक्स करें। और ये हैं इसके कुछ बोल्ट, तो ये बोल्टों की लोकेशन है, इस जगह पर आपको इसके सभी बोल्ट लगा देने हैं, जो भी इसके बोल्ट हैं। कुछ बोल्ट आपको गियर बॉक्स के अंदर की साइड से लगाने होते हैं, जहाँ पर इसका क्लच सिलेंडर फिटिंग है, स्लिप सिलेंडर सॉरी, तो स्लिप सिलेंडर की साइड से भी आपको उसमें कुछ बोल्ट लगाने होते हैं, जिस साइड इसका फ्लेबल साइड है। और अभी हम इसमें सभी बोल्टों को लगाते हैं। बोल्ट लगाने के बाद यहाँ पर अभी हम इन बोल्टों को टाइट करेंगे, और उसके बाद फिटिंग करेंगे हम इसका गियर सिलेक्टर लीवर। गियर सिलेक्टर लीवर यानी कि जो कार के अंदर लीवर होता है, वो लीवर नहीं, जो एक और लीवर होता है जिसको हम गियर सिलेक्टर बोलते हैं, जो कि ट्रांसमिशन के ऊपर फिटिंग होता है। क्योंकि ट्रांसमिशन खोलने के लिए वो लीवर नहीं खोलना पड़ता जिससे आप गियर शिफ्ट करते हैं, वो गियर लीवर होता है ओनली। ओके, और जिसको हम उसको गियर शिफ्टर भी बोल सकते हैं बेसिकली। ओके, तो अभी हम इसके सभी बोल्टों को टाइट करते हैं, और उसके बाद फिटिंग करेंगे अब इस जगह पर इसका फिफ्थ गियर और गियर सिलेक्टर लीवर। तो इसमें अभी दो पार्ट रह चुके हैं, जो कि है इसका फिफ्थ गियर और फिफ्थ गियर का काउंटर गियर, और साथ ही साथ इसका गियर सेक्टर। तो पहले अभी इसके सभी बोल्टों को टाइट कर रहे हैं, बोल्टों को टाइट करने के साथ साथ इसका फिफ्थ गियर भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी कुछ बोल्ट बाकी हैं, ये लोकेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी बोल्ट होते हैं इसके ट्रांसमिशन में। तो ये थी इसकी क्लच प्लेट, जो पुरानी वाली क्लच प्लेट है वो ख़राब हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं इसकी जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसकी रिपेट है वो निकल आई है। और अभी हम इस क्लच प्लेट को हटा देते हैं, और यहाँ से अभी हम रिप्लेस करेंगे इसमें दूसरी क्लच सेट, जो कि है MGP Gen 1 दूसरा पार्ट।
तो साथ ही साथ हम इसकी क्लच प्लेट भी रिप्लेस कर रहे हैं, और रिप्लेस कर दी है हमने इसकी सिंक्रोनाइजर रिंग। तो ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल क्लच प्लेट हैं दोनों, क्लच सेट है पूरा कंप्लीट, जो इस कार के अंदर निकला हुआ सेम वही पार्ट है ओरिजिनल। ओके, तो अभी ये पार्ट भी फिक्स कर रहे हैं, और अभी हम यहाँ फिटिंग करेंगे इसका फिफ्थ गियर। तो उससे पहले अभी हमें ये प्लेट लगानी, तो प्लेट के लिए आप ये लॉक की लोकेशन देख सकते हैं, इस लॉक को आपको इस रॉड में फिक्स करना होता है, और इसके ऊपर ये कुछ बोल्ट हैं, ये बोल्टों को आपको फिटिंग करना है। तो इस तरीके से आपको ये सभी बोल्ट लगा देने हैं। ओके, तो ये आपको सभी बोल्ट लगाने हैं इसकी तरीके से, और बोल्ट लगाने के बाद आपको इसके सभी बोल्टों को टाइट करना है आमने सामने की लोकेशन के हिसाब से। ओके, और इसके ऊपर फिटिंग करेंगे हम इसका अभी काउंटर गियर और फिफ्थ गियर। तो जो आप छोटी वाली रॉड देख रहे हैं इसमें फिटिंग होता है इसका काउंटर गियर, और जो बड़ी वाली सॉफ्ट है उसमें फिटिंग होगा इसका फिफ्थ गियर, और फिफ्थ गियर की स्लिप और फिफ्थ गियर का सिंक्रोनाइजर रिंग। ओके, तो अभी सभी बोल्टों को फाइनली टाइट करते हैं। और ये इस तरीके से हमने इसके सभी बोल्टों को टाइट कर दिया है। ओके, और अभी हम फिटिंग करेंगे इसका फिफ्थ गियर। तो ये इस तरीके से आपको बराबर बराबर खींचने होते हैं, क्योंकि अगर आप जरा भी इसमें 19-20 का टॉर्क रखते हैं तो इसमें साउंड बंद नहीं होती है, जो भी बैरिंग की साउंड होती है। तो अभी हमने सभी बोल्टों को टाइट कर दिया है, और अब फिटिंग करते हैं इसका फिफ्थ गियर। तो ये है इसका फिफ्थ गियर का काउंटर गियर। तो यहाँ पर आपको एक साइड इसमें बड़ा एरिया देखने को मिलेगा, बड़ा वाला एरिया आपको नीचे की साइड रखना है। ओके, इस तरीके से, और ये फिक्स हो जाता है। और ये है इसका नट 24mm का। और इस जगह फिटिंग होगा इसका फिफ्थ गियर, जो कि है फिफ्थ स्पीड गियर। तो ये है, इसमें कुछ 3-4 पार्ट होते हैं, अभी हम आपको चेक कराते हैं। तो ये सबसे ऊपर है इसका मेन पार्ट, ये है इसका फिफ्थ गियर। तो पहले हम इस फिफ्थ गियर को इस जगह पर रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बैरिंग होती है इसकी। तो ये बैरिंग टूटा हुआ नहीं है, ये दो पार्ट में ही बैरिंग आता है। ओके, तो इस तरीके से लगा देते हैं इसके ऊपर। अभी हम ये है इसका फोर्क और इसका सिलेक्टर, यानी कि इसका जो स्लेब है वो, और ये इसका सिंक्रोनाइजर। तो इसका जो सिंक्रोनाइजर है फिफ्थ गियर का, वो बहुत ही कम ख़राब होता है। और ये इसमें कुछ लॉक, तो इस तरीके से आपको इसका सिंक्रोनाइजर लगा देना है, और इसकी ये स्लेब है इसको फिक्स कर देना है। ओके, और एक साइड आपको प्लेन ग्रुप देखने को मिलेंगे, और एक साइड आपको टेपर ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो टेपर ग्रुप हैं वो आपको फिफ्थ गियर की साइड रखनी है, और जो प्लेन ग्रुप है वो आपको ऊपर की साइड रखनी है। ओके, तो यहाँ पर हम इसका सिलेक्टर लगा देते हैं, और इस तरीके से इस रॉड में हम फिक्स करेंगे इसके फिफ्थ गियर को। तो ये इसका होल्स है जिस जगह पर इसका बोल्ट हमें फिक्स करना होगा। तो ये इस तरीके से आपको उसमें फिटिंग करना है देख करके। ओके, तो अभी हम देखिए इस तरीके से हम इसका जो होल्स है वो परफेक्टली फिक्स करेंगे देख करके। तो यहाँ पर आपको हल्के हल्के तरीके से इसमें हैमर से चोट लगानी है, और इस जगह पर आपको इसका बोल्ट लगा देना है जैसे इसकी लोकेशन आ जाती है, और उसके बाद फिटिंग करेंगे हम इसके ऊपर इसका लॉक। तो उससे पहले अभी हमें एक प्लेट लगानी होती है इस फिफ्थ गियर के ऊपर, और उसके बाद उसका लॉक। तो हमने ये प्लेट लगाने के बाद इसका लॉक लगा रहे हैं। तो पहले हमें इसको अच्छे से क्लीन करना है, और लॉक को भी अच्छे से चेक करना है बारीकी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लॉक भी बिल्कुल ओके है, और लॉक को हम अभी हल्का सा और उसको थोड़ा सा दबा रहे हैं जिससे कि वो लॉक और टाइट हो जाए। ओके, तो अभी हम इस जगह पर लगा देते हैं इसका फिफ्थ गियर का ये लॉक। तो ये लॉक इस तरीके से इजीली फिक्स हो चुका है। ओके, और लॉक फिक्स होने के बाद एक बार हमें कंफर्म करना होता है लॉक प्रॉपर फिक्स है या नहीं। ओके, तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है लॉक को, और अच्छे से दबा देना है पंच करके। और अभी हम इसके सभी बोल्टों को टाइट करेंगे। तो इस जगह पर इस बोल्ट को टाइट करेंगे, इसको टाइट करेंगे, और यहाँ पर इस न्यूट्रल कंडीशन पर रख करके, ये आप देख सकते हैं अभी इस समय इसमें ये फिफ्थ गियर है वो इसमें लगा हुआ है, ये बीच में न्यूट्रल कंडीशन है, और ये समय फिफ्थ गियर लगा हुआ है, डला हुआ है। ओके, तो ये न्यूट्रल कंडीशन फिफ्थ गियर।
तो अभी हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे इसका रिवर्स गियर स्विच, और ये है इसका सिलेक्टर लीवर। तो ये है इसका गियर सेक्टर जो कि गियर सेलेक्ट करने में, तो ये सेम वही पैटर्न है जो कि आपके गियर लीवर पर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स। तो ये सेम वही पैटर्न है, लेकिन यही पैटर्न के हिसाब से अंदर गियर लीवर डिज़ाइन किया जाता है। जो पैटर्न कार का सिलेक्टर लीवर का होता है, वही पैटर्न कार के लीवर पर कंपनी डिज़ाइन करके देती है। तो जिस तरीके से यहाँ पर गियर शिफ्ट होते हैं, सेम वही हिसाब से आप वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम उस साइड वाली, आप फर्स्ट नंबर वाली रॉड देख रहे हैं, वो फर्स्ट एंड सेकेंड, बीच वाली थर्ड एंड फोर्थ, और साइड कॉर्नर वाली है इसकी फिफ्थ एंड रिवर्स गियर की। तो ये था इसका रिवर्स गियर स्विच। तो इसको इस तरीके से ऊपर रख के हम इसको टाइट कर देते हैं, और अभी हम फिक्स करेंगे इसका सिलेक्टर लीवर जो कि इसका गियर सिलेक्टर है। तो इसको लगाएंगे, और इसको लगाने से पहले हम इस रॉड को इस तरीके से बीच में फिक्स कर लेते हैं, और इसको इस तरीके से ये न्यूट्रल कंडीशन पर रखते हैं। और यहाँ पर हमें इसका गियर लीवर जो पैटर्न वाला है, इस जगह पर हम एक बोल्ट, इसका बोल्ट होता है जो कि 12mm और 14mm यानी 14 नंबर का है, और एक 12 नंबर का बोल्ट होता है। तो ये इस तरीके से हमें ये इसका जो सिलेक्टर है ये इजीली हमें फिक्स कर देना है। और यहाँ पर हमने यूज़ किया है RTP। ओके, तो इस तरीके से हम इसके सिलेक्टर को फिटिंग कर देते हैं, और सिलेक्टर को बड़े ही अच्छे तरीके से ये फिटिंग करना होता है, क्योंकि अगर आप इसको गलत तरीके से फिटिंग करते हैं तो इसमें जो सिलेक्टर में जो गियर शिफ्टिंग के लिए फॉर्क दिए होते हैं, वो अगर ज़रा भी अपसेट हो गया तो आपकी गाड़ी का जो गियर है वो फंस जाता है, वो स्टक हो जाता है, किसी दो गियर में गाड़ी फंस सकती है, जैसे कि फर्स्ट एंड थर्ड गियर, या सेकेंड एंड फोर्थ गियर, या फिफ्थ एंड रिवर्स गियर। ओके, किसी भी दो गियर में गाड़ी फंस सकती है। तो ये आपको अच्छे से इसको फिक्स करना है, और उसके बाद इसमें चार बोल्ट होते हैं जो कि 12mm के होते हैं, 12 नंबर के। तो आपको चारों बोल्ट इसके इस तरीके से लगा देने हैं, और साइड में भी कुछ बोल्ट होते हैं, उसकी लोकेशन भी मैं आपको चेक कराऊंगा वो किस तरीके से आपको उसका जो बोल्ट है वो भी आपको लगाना है। तो ये इस तरीके से आपको उसके चारों बोल्ट लगाने के बाद यहाँ पर हम आपको अभी चेक भी कराएंगे किस तरीके से सिलेक्टर जो लीवर है ये किस तरीके से वर्क करता है, जो इसका गियर लीवर सिलेक्टर है। तो ये देखिए इस तरीके से ये सिलेक्टर वर्क कर रहा है, फिफ्थ गियर के लिए, रिवर्स गियर के लिए, थर्ड एंड फोर्थ गियर के लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड गियर के लिए। और अभी हम इसमें एक साइड में बोल्ट है, इस बोल्ट को भी लगा करके इसको अच्छे से चेक करेंगे। तो ये इस जगह लोकेशन है इसके पैटर्न वाले बोल्ट पर, तो यहाँ पर इसमें पैटर्न पर उस जगह पर ये बोल्ट आता है 14mm का। ओके, तो इस जगह पर हम इस बोल्ट को लगा करके, और यहाँ पर भी एक बोल्ट हमें लगाना है, तो वो था 12mm का बोल्ट और ये था 14mm। तो ये पैटर्न वाली जगह पर आपको इस जगह पर बोल्ट लगाना है। तो ये जो बोल्ट है ये काम करता है एक साथ दो गियर ना लगे, इसलिए ये बोल्ट काम करता है। ओके, और जो गोली वगैरह होती है जो मैं आपको बता रहा था साइड में तीन बोल्टों के लिए, रॉड में नीचे की साइड गोली होती है। तो अभी मैं आपको गियर चेक कराता हूँ, ये थर्ड एंड फोर्थ गियर की रॉड आप देख सकते हैं ऊपर और अप एंड डाउन हो रही है इस तरीके, जैसे मैं हाथ से इसमें गियर शिफ्ट कर रहा हूँ उस तरीके से। ओके, और ये देखिए अभी फिफ्थ एंड रिवर्स वाली रॉड भी शिफ्ट हो रही है, और अभी हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड गियर रॉड को, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड गियर भी वर्क कर रहा है प्रॉपर। ओके, तो अभी हम इस रॉड को पूरा कंप्लीट करने के बाद इसको अच्छे से हमें चेक कर लेना है। तो ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, और बिल्कुल प्रॉपरली फ्री भी है, इसमें कोई भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई हार्डनेस वगैरह नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर अभी हम इसके ये बोल्ट वगैरह जो भी हैं इसके कंप्लीट सभी बोल्टों को टाइट कर देते हैं, जो कि हमने इसका कॉन्टर साफ्ट का गियर का बोल्ट था उसको बोल्ट को टाइट करते हैं, और साथ ही साथ फोर्क के बोल्ट को भी टाइट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हमें इसके बाद लगाना होगा इसके ऊपर एक फिफ्थ गियर का एक कवर होता है, इस बोल्ट को टाइट करने के बाद हम इसका कवर भी फिटिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने इस बोल्ट को टाइट कर दिया है, और सिलिकॉन ट्यूब की हेल्प से अभी हम इस जगह पर सिलिकॉन ट्यूब लगा देते हैं, तो जो कि लीकेज को प्रोटेक्ट करेगा, लीकेज नहीं करेगा इस जगह से, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑयल आता है इस जगह गियर पर, तो जहाँ जहाँ गियर और बेरिंग है वहाँ सभी जगह पर ट्रांसमिशन ऑयल लुब्रिकेशन करता है। ओके, तो इन सभी जगह पर हम लगा देते हैं सिलिकॉन ट्यूब, और इसके बाद फिटिंग करते हैं इसका कवर। तो इसका एक कवर होता है जो कि इस जगह पीछे फिक्स होता है, तो कभी भी कार में अगर फिफ्थ गियर की प्रॉब्लम आती है तो मैनुअल ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन खोलना नहीं पड़ता, यानी कि कार से बाहर नहीं निकालना पड़ता,
फिफ्थ गियर पीछे ही पीछे चेक हो जाता है और रिवर्स गियर भी। ओके, तो फिफ्थ एंड रिवर्स गियर जो है, जो आप देख सकते हैं, ये सबसे लास्ट में लगा हुआ है गियर बॉक्स के बिल्कुल पीछे की साइड। और ये है इसका एयर पाइप, जो ट्रांसमिशन ऑयल में जो एयर ट्रैप होती है वो एयर इस जगह से बाहर निकलती है, जो भाप बनती है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने कार कंप्लीट कर दी है और अभी हम यहाँ पर टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं इस कार की। तो अभी मैं आपको इसका गियर लीवर का भी पैटर्न है वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये रिवर्स। ओके, और अभी हम कार की टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं। तो कार पूरी कंप्लीट है, तो अभी हम फर्स्ट गियर में ड्राइव करते हैं। ओके, और अभी हम सेकेंड गियर। तो पहले इस कार में प्रॉब्लम थी वो थी थर्ड गियर के बाद में सेकेंड गियर नहीं लगता था, अभी मैं थर्ड गियर ड्राइव कर दिया है और मैं सेकंड गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो सेकंड भी शिफ्ट हो चुका है और फर्स्ट भी शिफ्ट हो चुका है। तो जो गियर बॉक्स है वो परफेक्टली बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो प्रॉब्लम थी मेन वो हमने इसमें सॉल्व कर दी है। ओके, तो अब कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कार थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर और इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो थी फर्स्ट एंड सेकेंड गियर की। तो दोनों प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट कर दी हैं। तो अभी हम एक बार और टेस्ट ड्राइव लेते हैं इसकी। तो ये कार है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर डीजल इंजन। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो इसका क्लच पेडल है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। काम पे ही आ गई थी। पेडल भी काफ़ी सॉफ्ट है और अभी हम एक बार कंफर्म करते हैं भाई साहब से, अब कैसी है सर आपकी कार? बढ़िया है, पहला गियर और दूसरा गियर दोनों ये बढ़िया ढंग से चल रहे हैं। चलो रहे पहले तो क्लच वगैरह कैसी है? सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। पहले जो प्रॉब्लम थी सर की गाड़ी में वो पहला गियर नहीं डलता था कभी कभी और दूसरा सेकंड गियर भी नहीं डलता था। और जो प्रॉब्लम थी वो हमने सिंक्रोनाइजर इस कार की चेंज की है। तो उम्मीद करता हूँ सर को हमारा काम काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने काम किया हुआ है। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके सर, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।